अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग भी इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा यूनिक, ताकतवर इंसान बन सकते हैं तो क्या आप लोगों को विश्वास होगा? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपके अंदर भी ऐसी शक्तियां आ सकती है जिसकी मदद से आप किसी भी धातु को छू के सोने का बना सकते हैं तो क्या विश्वास होगा? ऐसी शक्तियां भी आ सकती हैं जिसकी मदद से आप किसी भी इंसान को छू के मौत की नींद सुला सकते हैं या फिर बड़ी से बड़ी उसकी परेशानी या बीमारी ठीक कर सकते हैं तो क्या विश्वास होगा? मुझे नहीं लगता है। लेकिन आज का ये टॉपिक कुछ ऐसा ही है दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद विश्वास हो जाएगा। बने रहिए अंत तक। मैंने एक चीज अपनी आम जिंदगी में नोटिस किया हूं दोस्तों, लोग भूत प्रेत और भगवानों पर विश्वास करें या ना करें, सीक्रेट सोसाइटीज पर आजकल के लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। चाहे वो इल्यूमिनाटी हो, फ्री मैशन हो, SCP हो या फिर अशोका के 9 अनोन्स हो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिनके पास असीम ज्ञान है, असीम शक्तियां हैं। माना जाता है कि ये सोसाइटी के जो हेड है आज भी इस दुनिया पर नजर जमाए बैठे हैं और वो कोशिश में लगे हुए रहते हैं कि कैसे हमारे फाउंडेशन के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर और भी सारे लोग ज्वाइन हो जाए और हम अपनी सोसाइटी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते चले जाए। और इस सोसाइटी में सबसे यूनिक नाम है अशोका के 9 अनोन्स। क्यों यूनिक है? क्योंकि ये सीधे सीधे इंडिया से रिलेट करता है। बाकी जितनी भी सीक्रेट सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं से दूसरी कंट्री से बिलोंग करती है, लेकिन अशोका के 9 अनोन्स सम्राट अशोका के सुनने में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं। सम्राट अशोका के बारे में कौन नहीं जानता है? एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने लगभग इंडिया के सारे सब कॉन्टिनेंट्स में राज किया था। इनका साम्राज्य 268 BC से लेकर 232 BC के आसपास तक चला होगा। ये इतने ज्यादा शक्तिशाली थे ना दोस्तों कि इनको हराना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। लोग कहते थे कि इनके पास असीम शक्तियां हैं, कुछ ऐसी दैविक शक्तियां हैं जो किसी को भी पता चल गई, किसी भी दूसरे साम्राज्य के राजा को पता चल गई तो वो भी पूरी दुनिया जीत सकता है, जैसे सम्राट अशोका ने जीता था पूरे भारत को। इसी बात के चलते अशोका ने भी ये सोचा कि शायद हाँ बिल्कुल हमारे पास ऐसी कुछ शक्तियां हैं, कुछ ऐसा नॉलेज है जो किसी और को पता चल जाए तो हमारा नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ ये जो भारत है ये गलत हाथों में जा सकता है। तो सम्राट अशोका ने क्या किया, 9 अलग अलग बेहद ताकतवर, बेहद बुद्धिमान लोगों का गठन किया। इनसे एक, मान लो कि एक फाउंडेशन बनाया इनका, इनकी एक सोसाइटी बनाई। उन 9 लोगों को काम सौंप दिया अलग अलग तरह की नॉलेज को इकट्ठा करना। अब सम्राट अशोका के पास जितनी भी वो गहन जानकारियां थी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, वो पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारियां सम्राट अशोका ने उन 9 खास लोगों को विषयों के हिसाब से, सब्जेक्ट्स के हिसाब से बांट दिया। अब वो लोगों ने क्या किया, एक किताब ली, उन किताबों में अपनी अपनी नॉलेज को लिखते चले गए, लिखते चले गए। अब सम्राट अशोका ने उनको आज्ञा दी कि आप लोग पूरी दुनिया का भ्रमण करो और जो जो टॉपिक आपको दिए गए हैं, अलॉट किए गए हैं, उन टॉपिक में आप लोगों को बनना है विख्यात। ऐसी जानकारियां इकट्ठी करनी है जो जानकारियां इतनी ज्यादा ताकतवर हो, इतनी ज्यादा कीमती हो, इतनी ज्यादा यूनिक हो जो पूरे ब्रह्मांड में केवल आप न लोगों के पास होने चाहिए और आखिरकार हमारे साम्राज्य को वो मिलना चाहिए। अब वो 9 लोग अशोका के बहुत ही ज्यादा जो वफादार कहते हैं वो थे, वो लोग निकल गए अलग अलग जानकारियों को इकट्ठी करने के लिए। माना जाता है कि उन लोगों के पास जानकारियां इकट्ठी हुई, समय बीतता चला गया, जानकारियां, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, वो शक्तियां अपडेट भी हुई। अपडेट होती थी वो लोग अपनी किताब में लिखते थे, उनके टॉपिक में कुछ नया जुड़ता था वो फिर अपनी किताब में लिख देते थे। ऐसे ऐसे करके सम्राट अशोका के साम्राज्य में और इन 9 खास लोगों के पास ऐसी शक्तियां आ गई जिन शक्तियों की तुलना इस पृथ्वी में तो नहीं की जा सकती थी। अब बात यह आती है कि सम्राट अशोका का साम्राज्य या फिर उनकी बात कह लो या फिर ये 9 लोगों की समिति का गठन कह लो, ये कब हुआ था? कहीं हजारों साल पहले हुआ था, जीसस क्राइस्ट से भी 200-250 साल पहले, 300 साल पहले? तो भाई इतने हजार साल पहले से लेकर अब तक मैं कैसे बोल रहा हूं कि इनकी समिति अभी तक बनी हुई है, लोग नजर जमाए बैठे हैं? तो इसके पीछे से एक थ्योरी निकल के आती है, जो थ्योरी ये कहती है कि ये जो 9 लोग थे ये अपने अपने जोन में इतने ज्यादा बुद्धिमान हो चुके थे,
यहाँ तक कि कह लो कि हर एक जोन में ये लोग इतने ज्यादा बुद्धिमान, क्योंकि ये लोग पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर चुके थे ना, पूरी पृथ्वी का। तो भाई इन लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि ये लोग ना अलग अलग तरह के केमिकल्स यानी कि रसायन भी बनाने लगे। उन रसायनों का इन लोगों ने सेवन कर लिया और उन रसायनों की वजह से इन लोगों की उम्र कभी बढ़ी ही नहीं, और उम्र नहीं बढ़ी तो ये लोग अमर हो गए। यानी कि तब से लेकर आज तक सम्राट अशोका के साम्राज्य की वो गहन बेशकीमती जानकारियां उन किताबों के साथ, उन नौ लोगों के साथ आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। वो लोग कहीं ना कहीं से हमें देख रहे हैं और अपनी सोसाइटी का गठन करते चले जा रहे हैं। जो भी उनको लगता है कि हमारे टॉपिक में ये बहुत ही यूनिक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल उनका एक टॉपिक है फिजियोलॉजी, अगर उनको लगता है कि फिजियोलॉजी के टॉपिक में पूरी दुनिया में निखिल सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो निखिल को अपने पास बुलाएंगे और मुझे वो सारी जानकारियां दे देंगे और साथ ही साथ वो अपनी कम्युनिटी में मुझे शामिल कर लेंगे। और इसी वजह से मैं अशोका के 9 अनोन सोसाइटी का एक मेंबर बन जाऊंगा और फिर उसके बाद मेरे पास फिजियोलॉजी से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि मैं चाहूं ना तो किसी भी इंसान को खाली टच करके मौत की नींद सुला सकता हूं। आखिर उन लोगों के पास इतनी ज्यादा यूनिक जानकारी जो होगी, उनके पास ऐसी जानकारियां भी होगी फिजियोलॉजी के टॉपिक में कि मैं इतना इंटेलिजेंट बन जाऊंगा कि बड़ी से बड़ी बीमारियां खाली यूं टच करके सॉल्व कर दूंगा। आप लोगों को सुनने में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं सच बताऊं तो ऐसा होता है। अगर आप किसी एक विषय में गहन जानकारी को अपना लो तो आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें पता चल सकती हैं जो नॉर्मल इंसानों के लिए सोचना भी लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आइए इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। ये जो 9 लोग थे ना, इनमें से हर एक इंसान के पास, हर एक एक पर्सन के पास एक यूनिक टॉपिक की बेशकीमती जानकारियां थी और अभी भी है लोगों का ये कहना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो कौन से 9 टॉपिक हैं जो इन लोगों के पास अवेलेबल हैं। भाई मैंने भी कहीं नोट करके रखा हूं, तो मैं भी आप लोगों को पढ़ पढ़ के बताऊंगा, प्लीज डोंट माइंड। आखिर इंफॉर्मेशन लेना आप लोगों का मकसद है इस वीडियो से। तो पहला जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है वो है प्रोपेगेंडा का टॉपिक। जो पहली किताब है सबसे ज्यादा पावरफुल किताब है। भाई क्यों इतनी ज्यादा पावरफुल किताब है? क्योंकि इसकी जानकारी जिस किसी भी इंसान को मिल गई वो पॉलिटिक्स में और प्रोपेगेंडा में इतना ज्यादा भाई इंटेलिजेंट बन जाएगा कि उसको पछाड़ पाना, उसके दिमाग के साथ खेल पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। फिर चाहे कोई भी आ जाए उसके दिमाग को नहीं हरा पाएगा। वो इंसान के अंदर, केवल एक इंसान के अंदर इतनी शक्तियां जाएगी कि वो अपनी बातों से ना करोड़ों लोगों को अपने माया जाल में अंदर समेट लेगा। इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा वो इंसान जिसके पास प्रोपोगेंडा की पूरी जानकारी आ जाए जो सम्राट अशोका की किताब में लिखी हुई है। सेकंड में आते हैं जो मैंने फिजियोलॉजी का एग्जांपल दिया। अब दूसरे इंसान के पास है दूसरी किताब जिसका नाम है फिजियोलॉजी। ये भाई एक ऐसी किताब होगी जिस किताब को अगर आप लोग समझ गए तो आप लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आप लोग किसी को भी छू के ही मौत की नींद दे सकते हैं, या फिर किसी को छू के बड़ी से बड़ी बीमारी उसकी ठीक कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी तकलीफ ठीक कर सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूं। दरअसल इंसान की जो बॉडी होती है इसमें अलग अलग नर्व सिस्टम होते हैं, अलग अलग जो नसें होती है, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अगर आप उन पॉइंट्स को समझ गए तो बस आप छू के कुछ भी कह सकते हैं, और ये सचमुच में होता है, इन्हें द टच ऑफ डेथ कहते हैं। आप इसके बारे में गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि क्या टच ऑफ डेथ पॉसिबल है, तो बिल्कुल बेशक पॉसिबल है, यहाँ पे प्रूफ है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। थर्ड नंबर की किताब जो तीसरे 9 अनोन में से तीसरे के पास है, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। भाई ये माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को समझ के आप कितने भी बड़े जीव विज्ञान क्यों ना हो उसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जीव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है ना, जिसको आप लोग सीख गए तो आप लोग ये जान जाएंगे कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई है। मतलब आप ये समझ जाएंगे कि कोई समझ पाया है कि इंसान का जन्म और मृत्यु कैसे हो रही है। भले ही लोग कितने भी बड़े बड़े अपने तर्क दे दें, लेकिन जो मतलब एग्जैक्ट चीज़ है ना कि कैसे इस दुनिया में इंसानी सभ्यता, या फिर कैसे इस दुनिया में जीवन की उत्पत्ति हुई है कोई नहीं बता पाया, वो आप लोग समझ जाएंगे। समझ रहे?
चौथे नंबर के टॉपिक में आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा यूनिक किताब होगी, जिसको अगर आप लोग सीख गए भाई, इसमें अगर आप लोगों ने महारत हासिल कर ली है, तो आप लोग बन जाएंगे एक ऐसे इंसान जो किसी भी मेटल को छू के या फिर उसमें थोड़ी बहुत इतनी इतनी सी कारीगरी करके उस मेटल को बेशकीमती मेटल या फिर सोने में तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, ये सचमुच में हुआ है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज से कुछ साल पहले एक पर्टिकुलर जगह थी, एक पूरा रीजन था जहाँ पे अकाल पड़ गया था एकदम, मतलब महामारी, मतलब क्या महामारी गलत वर्ड बोल रहा हूँ, बहुत बुरी तरह से गरीबी फैल गई थी वहाँ पर। ना जाने कैसे अपने आप वहाँ के कुछ मेन लोग थे, उनको भारी मात्रा में सोना मिला। सोना किसने दिया आज तक किसी के सामने नहीं आ पाया, बल्कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई कि ये सोना देने वाला कोई और नहीं बल्कि ये 9 अनोन के मेंबर्स में से ही कोई था, क्योंकि उनको इतनी जानकारी थी, वो अनलिमिटेड सोना बना सकते हैं ना। ये अल्केमी नाम की जो चौथा टॉपिक है उसको सीख के तो ये पॉसिबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। पांचवें नंबर का टॉपिक होगा, जो किताब है वो है कम्युनिकेशन की। ये पांचवी किताब भाई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी ज्यादा यूनिक, आप लोग चाहेंगे कि मुझे चाहिए ये, आप लोग पागल हो जाएंगे, आप लोगों को पता चलेगा। तो ये ऐसी किताब है जिसे आप लोग सीख गए, अगर आप लोग महारत हासिल कर लिए, तो आप किसी से बिना बात किए, मान लो मुझे भी आती है वो किताब की गहन जानकारी है, आपको भी वो किताब की जानकारी है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं आप लोगों से, मैं खाली आप लोगों को देखूंगा और मेरी बात आप लोगों तक पहुंच जाएगी। सचमुच में पॉसिबल है, ये कैसी किताब होगी जिसकी मदद से यहाँ पे बैठे बैठे हम एलियन से कम्युनिकेट कर पाएंगे, आउटर वर्ल्ड से भूत प्रेत आत्माओं किसी से भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, मतलब एक्सट्रीम लेवल का कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। कितना ज्यादा यूनिक है, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ जैसे कि मैं अभी 9 अनून का मेंबर बनने वाला हूँ। खैर, छठवें नंबर की किताब बताता हूँ, ग्रेविटी के बारे में जानकारी है भाई इसमें, अगर आप लोग ये सीख गए ना, तो आप ग्रेविटी के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे। आप लोग बोलेंगे हमने फिजिक्स में बहुत सीख लिया, हमको नहीं सीखना है, तो मुझे पता है ये इतनी इंटरेस्टिंग किताब नहीं है, लेकिन फिर भी अब किताब है तो इसमें जानकारी तो बहुत सारी होगी, वो भी 9 अनोन्स की किताब है, तो बहुत कुछ पता होगा इसमें या फिर बहुत कुछ पता चलेगा इसमें जो आज तक फिजिक्स तो नहीं बता पाया होगा आपको आपके सब्जेक्ट वाला। खैर, सातवें नंबर की किताब होगी कॉस्मोगोनी की। ये कैसी किताब होगी जिसमें आप पूरे ब्रह्मांड के एक एक पार्टिकल्स, एक एक मैटर के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। आप इस किताब में महारत हासिल कर लिए ना, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा भाई कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, आप ये भी समझ जाएंगे। मतलब आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई नहीं समझ पाया है कि ब्रह्मांड कैसे बना। देखो, बिग बैंग थ्योरी तो बता देती है कि भाई ब्रह्मांड कैसे आया, लेकिन वो एक थ्योरी है, आप मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस किताब को पढ़ लेंगे ना आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। बिग बैंग थ्योरी बेशक होगी मे बी प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन ये किताब को पढ़ने के बाद आपको विजुलाइज हो जाएगा सब, यानी इसमें बेटर तरीके से और बताया गया होगा, मुझे ये यकीन है, बिग बैंग थ्योरी जैसी चीज नहीं होगी इसमें। अगला, लाइट के बारे में जानकारी, आठवीं किताब। इसको अगर आप लोग सीख गए ना, तो लाइट को आप लोग वेपन के तौर पर यूज कर पाएंगे, मोस्ट यूनिक पावर आप लोगों के पास आ जाएगी, अमेजिंग। नाइन्थ, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के बारे में आप लोग सीख गए ना, तो आप अपनी सोसाइटी में एक नया एवोल्यूशन लेके आ सकते हैं, एक नई क्रांति लेके आ सकते हैं, मतलब इसमें सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, अब हर एक इंसान की सोच के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी होगी जो अनएक्सप्लेनेबल है, यूनिक है। लेकिन वहीं पे दोस्तों, अब आप लोग ये एक सवाल उठा देंगे इस वीडियो को देख करके, कैसे पॉसिबल है ये किताबें, चलो समझते हैं। आप लोग बोलेंगे कि 9 इंसानों के पास ये 9 किताब हो सकती है और ये किताब में लिखी हुई चीज़ें भी पॉसिबल होगी, आप लोगों को विश्वास हो भी जाएगा, लेकिन शायद ये विश्वास नहीं हो रहा होगा कि वो 9 लोग अब तक जीवित हैं। तो एक दूसरी थ्योरी भी है जो ये कहती है कि ये 9 लोग जो थे ये अब तक जीवित नहीं है, ये दूसरी थ्योरी है। पहली थ्योरी के हिसाब से वो लोग एक रसायन का सेवन कर लिए, केमिकल पी लिए, जिसकी वजह से वो अमर बनकर अब तक हैं और आगे भी रहेंगे। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो लोग को कि मृत्यु नॉर्मल टाइम में ही हो गई थी, लेकिन जब वो लोग पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे थे ना अपने अपने टॉपिक में महारत हासिल करने के लिए, अपनी किताब को कंप्लीट करने के लिए, तो वो लोगों ने अपने सब्जेक्ट में बेस्ट पर्सन को ढूंढ लिया,
मतलब उनके सब्जेक्ट में जो बेस्ट पर्सन रहा होगा उनसे मिला होगा, और जब उनकी मृत्यु हो रही होगी ना तो उनने वो पूरी जानकारी उस बेस्ट पर्सन को दे दी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक का नाम है मुकेश, मुकेश नाम का आदमी 9 अनोन में से उस बंदे को मिल गया जिसके पास कॉस्मोगोनी की पूरी नॉलेज थी, तो वो मरने के टाइम पे मुकेश के पास आया और मुकेश को पूरी जानकारी दे दिया और ये भी बोल दिया कि भाई जब तुम्हारा समय आ जाए तो तुम भी जानकारी दे देना ऐसे इंसान को जिसको कॉस्मोगोनी की गहन नॉलेज हो। तो जब वो मुकेश मर रहा होगा तो उसने किसी को दिया होगा, फिर वो मर रहा होगा तो उसने किसी को दिया होगा, ऐसे करते करते ये 9 खास जानकारियाँ जो सम्राट अशोका के ज़माने से एग्जिस्ट करती थी वो अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। ये एक फाउंडेशन बन चुका है, ये एक सोसाइटी है। सुनने में बहुत नॉर्मल साउंड कर रहा होगा लेकिन ये सोसाइटी इतनी ज़्यादा सीक्रेट, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली, इतनी ज़्यादा बुद्धिमान है कि माना जाता है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या कहती है कि इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, हर एक चीज़ बड़ा आविष्कार, ये गिटार बड़ा आविष्कार, ये लाइट बड़ा आविष्कार है, ये कैमरा बड़ा आविष्कार, ये माइक बड़ा आविष्कार, ये लाइट बड़ा आविष्कार, ये सब कुछ जो भी इन्वेंशन हुआ है, यानी कि अशोका के ज़माने से लेकर अब तक की जो भी A to Z इन्वेंशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 9 अनोन्स के कारण ही हुई है। बहुत यूनिक, शॉकिंग, मतलब मैं तो हैरान हूं ये टॉपिक को समझ के। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीक्रेट सोसाइटी के बारे में तो क्लियर फंडा समझ में आएगी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है। और अब आप लोग बोलेंगे कि हमें ज्वाइन करना है, कैसे करें भाई? निखिल भाई बता दो, हमें भी महारत हासिल करनी है, हमें भी धातु को छुके सोना बनाना है। तो मैं बता दूं भाई, जैसे कि आप लोग स्टोरी सुन के समझे होंगे, स्टोरी मतलब ये तो रियल वो है, पूरी केस स्टडी है कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में विश्व विख्याता बनना पड़ेगा, मतलब इतना इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा कि आपको कोई हरा ना सके, फिर मे बी शायद 9 अनोन में से कोई आए और फिर आप लोग उनके मेंबर बन जाओ। लेकिन पहली वाली सीढ़ी तो क्रॉस कर लो, फिर मंजिल की सोचना। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, क्योंकि इसी तरह के हैरान करने वाले वीडियोस मैं रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।